अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और दिल से ढेर सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखें, आमीन सुमा आमीन। तो जी माशाल्लाह सुबह का टाइम है और मेरा पसीना देखें, इतना मुझे पसीना आ रहा है ना, आप यकीन जाने अल्लाह ना कि अभी मुँह धोए, ब्रश किया और फ्रेश हुए। और आज तो बिल्कुल हवा भी बंद है मुल्तान में, बहुत ज़्यादा एकदम से पंजाब में गर्मी हुई है। और बस ये है कि अल्लाह ताला खैर और खैरियत के साथ ये गर्मी गुजारे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जितने बच्चे पढ़ने जाते हैं और लोग काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं, बच्चियां पढ़ने जाती हैं, तो सबके लिए दिल से ढेर सारी दुआएं हैं। तो बस छोटी सी आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा आपने सपोर्ट करना है। आप लोगों की सपोर्ट की आपकी को बहुत ज़रूरत है। और कमेंट भी प्यारे प्यारे आप करते हैं, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला को खुश व आबाद रखे, आमीन। तो बस आटा गूंद के रखती हूँ और उसके बाद फिर नाश्ता बनाते हैं और आगे की वीडियो भी आपसे शेयर करते हैं। आज वीडियो बहुत ही मज़े की और अच्छी होने वाली है, पूरी देखनी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो बस सैफुल्ला लेकर आ गए हैं चने। चने तो कोई इतने मशहूर है माशाल्लाह से हमारे यहाँ के, आलू भी वाले चने और मूर वाले चने और सादे चने, प्याज वाले चने, नसीरे के चने, अभी तो मुझे कितने चनों के नाम ही नहीं आ रहे। और सस्ते मिलते हैं, कोई इतने महंगे नहीं। ये 50 रुपए के चने माशाल्लाह 5 से 4 लोग आराम से खा लेते हैं, जाहिर बात है सुबह नाश्ते के टाइम। इतना कोई ये नहीं कि भर भर के हम पराठों के साथ खाएं, लगा लगा के ही खाते हैं। तो बस ये है कि ये देखें जी माशाल्लाह इसका कलर आप चेक करें, देखो ऊपर इन्होंने कैसे वो जो उनका होता है ग्रेवी की वो अलग डालते हैं। तो बस सैफुल्ला को बुलाती हूँ, सैफुल्ला आके नाश्ता ले जाओ और समीउल्ला मेरी वीडियो बना रहे हैं। और ये है कि बस अभी नाश्ता हो जाएगा और फिर 3 बजे तक ये खाना खाएंगे और फिर अकेडमी चले जाएंगे। समीउल्ला नज़दीक से दिखाओ, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खूबसूरत चने, जायके वाले। आ जाओ मेरा बेटा सैफुल्ला, तो नाश्ता लेके जाते हैं, आए आप लोग भी हमारे साथ बिस्मिल्लाह करें। तो जी माशाल्लाह से आप भी कहेंगे कि आप भी मसरूफ़ रहती है सारे पूरे ब्लॉग में, तो बस क्या करें, काम करके दिल को सुकून मिलता है, बच्चों का पेट भर जाए, बस यही ये कह लें कि माँ के लिए बहुत एक तसल्ली बख्श बात होती है। तो जी आज मैंने खाना नहीं बनाया था और इसलिए नहीं बनाया था, आज घर में जा रहे तो खाना नहीं पका। पहले सलाम तो कर दे मेरे व्यूअर्स को। वालेकुम अस्सलाम, बस मेरी मर्जी, तुमने बस मेरी भी छुट्टी होनी चाहिए तो बाजार से लेके आया हूँ मैं। हाँ मैं भी व्यूअर्स को बताने वाली थी, आज रोटी भी बाजार से आई है। वाह भाई आज तो मेरे मजे ही मजे हो गए। हमने खाए थे जी चावल, चावल इसलिए खाए थे क्योंकि कल काफ़ी सारे बन गए थे, तो मैंने कहा इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो अभी हमने गर्म करके वही खाए, रायता डाल के। हस्बैंड आए वो कहते हैं आपको तो पता है मुझे चावल पसंद नहीं है, और चावल ख़त्म भी हो गए, मज़े की बात पूरे पूरे हुए। चलो फिर मुझे तो खाना दो। हाँ जी बस मैं खाना ले रही हूँ, खाना ला रही हूँ, आप जाएँ किचन में, गर्मी लोगों को बहुत लगती है। तो बस फिर मैंने खाना नहीं बनाया था, चावल थे तो बस हमने तो वही खा लिया, हम तो शौक से खाते हैं चावल भाई। और ये लाए जी कलेजी पोटे, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, हमारे बाज़ार में बने बनाए इस तरह के सालन, दाल चिकन का सालन, कलेजी पोटे का सालन, मतलब हर तरह का सालन मिल जाता है। तो मैं तो हर बाज़ार का खाती हूँ, मुझे ज़रा भी नहीं पसंद घर का साफ़ सुथरा। अभी कहेंगे तुम ऐसी बात कर रही हो, ऐसी कोई नई बात, लेकिन ये भी मज़े का ही है। तो आपको नज़दीक से दिखाते हैं कि क्या लेकर आए। तो जी ये लाए थे कलेजी पोटे, ये देखें नज़दीक से आपको दिखाते हैं, ये देखें माशाल्लाह और कितना ज़बरदस्त कलर आया। लेकिन मुझे कलेजी पोटे ज़रा भी पसंद नहीं है, ज़रा भी नहीं पसंद है। तो बस ये लेकर आए हैं, बहुत शौक से खाते हैं, तो इनको डाल के देती हूँ इससे पहले कि मैं गपशप में आप लोगों के साथ लग जाऊँ और फिर ये कहें कि भाई अभी तक मुझे खाना नहीं दिया, मैं थका आया हूँ। तो पहले इनको खाना देती हूँ, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो जी टाइप के कपड़े निकाल रही हूँ, प्रेस करके रख रही हूँ, देखिए कॉटन के सूट है, कल्फ लगी हुई है और इसमें बहुत टाइम लगता है, पसीने छूट जाते हैं, लेकिन एक दिन पहले ही मैं प्रेस करके रख रही हूँ ताकि अगले दिन आराम हो और वो इजीली पहन ले। हाँ जी बच्चों आज आप लोगों ने क्या खाना है? फिंगर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। अच्छा हंसी भी साथ आ रही, फिंगर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। और हाँ चीज नहीं आएगी, मैं आप लोगों को बता दूँ फिर जो फरमाइशें कर रहे हो, ठीक है फिर चीज कैंसिल जी। चलो सही, हम लेने जा रहे हैं फिर गर्मा गर्म लेकर आते हैं। और अबिया तो पत्नी कहाँ चली गई है, अबिया अभी आती, फिर अबिया से भी पूछते हैं वो क्या खाएगी। तो
तो जी बच्चों की फरमाइश थी कि हमने खाने हैं फिंगर चिप्स, और फिर मेरे दिल में जरा सा वो भी हो रहा था कि पति चावलों से बच्चों का पेट भरा है कि नहीं भरा, तो मुझे टेंशन भी हो रही थी। तो जब मैंने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा कि हमने फिंगर चिप्स खाने हैं। तो ये देखें कि माशाल्लाह हमारे यहाँ बेसन के फिंगर चिप्स बहुत ही टेस्टी, ऐसे जायका जैसे समझ लो, नज़दीक लाओ, जैसे फिश खा रहे हो। तो माशाल्लाह मेरे तो मुँह में अभी पानी आ रहा है देखें माशाल्लाह से। तो मैं एक पैकेट अभिया के लिए लेकर आई हूँ, और ये 50-50 रुपए का एक पैकेट है, और पहले काफ़ी सारा मिलता था लेकिन अब कम कर दिया है महंगाई की वजह से। और 3 पैकेट अब्दुल्ला सैफुल्ला समीउल्ला के लिए। तो बस कोल्ड ड्रिंक डालती हूँ गिलास में और बच्चों को देती हूँ, बच्चे अंदर इतने कोई गर्म है और बहुत ही मज़े के टेस्टी। आज आप लोग भी हमारे साथ बिस्मिल्लाह करें। तो जी यहाँ करते हैं वीडियो का एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का जो व्लॉग है आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। और अभी भी देखें मुझे कितना पसीना आ रहा है, क्योंकि फ़ैन की कमरे में इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है कि वो फिर आप लोगों को आवाज़ सही सुनाई नहीं देती। और हस्बैंड से आज मैंने खूब मज़ाक किया, हंसी मजाक किया, ये तो चलता रहता है चिल मस्ती। तो अच्छा मैंने उनसे कहा कि ना भाई मेरे ने कोई ऐसी हेल्पर रख लें ताकि कम से कम वो सुबह की सफाई तो कर लें, क्योंकि अब शदीद गर्मी हो गई है, काम सुबह की सफाइयाँ फिर नाश्ते माशाल्लाह खाना फिर ये सारा दिन ही गुजर जाता है। और देखें अभी भी मुझे कितना पसीना है, मेरी शर्ट पसीने से गीली हो रही है। तो मुझे कहते हैं चले अगर आप कहती तो हेल्पर रख लेते हैं, फिर कौन सी वाली हेल्पर, मैंने कहा कौन सी वाली हेल्पर तो कह रहे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो बस ऐसे ही मजाक हम दोनों में अभी भी कर रहे थे, मैंने कहा कभी ऐसे सोचना भी ना, कभी ख्वाब में भी ना सोचना, कह रहे मैं तो आप अभी मैंने बात शुरू ही नहीं की और आप ना कहीं से कहीं मतलब ले गई। मैंने कहा नहीं आप कहीं ले जाना चाह रहे थे लेकिन मैंने वहीं से आपको रोक दिया। तो बस ये है कि माशाल्लाह से इसी तरह हम कभी ये कि ये है वैसे खामोश तबीयत, बहुत ज़्यादा खामोश तबीयत है ये, और मेरा जो बड़ा वाला बेटा बहुत ज़्यादा जैसे काम की बातें तो करते हैं वैसे सारा दिन ये खामोशी रहेंगे। जब कभी कभी हंसी मजाक करते हैं तो अच्छा लगता है, मतलब होना चाहिए घर में। तो बस ये था आज का मेरा व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आया होगा, और प्लीज़ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, बार बार आप भी आएंगे, आप ही पीछे ही पड़ गई हैं। तो बस इजाज़त चाहती हूँ, जाती हूँ कमरे में और बच्चों को सुलाते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।